अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगलोर स्पेशल कद्दू का दालचा, यानी लौकी का दालचा। ये बहुत ही आसान और टेस्टी डिश है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें और आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 कप चना दाल, जिसको हमने 1 घंटे तक भिगो लिया था। अब हम चना दाल को एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। फिर हम उसमें 1 ग्लास पानी डालकर 3 से 4 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। दाल अच्छे से गल जाना चाहिए, मैश नहीं होना चाहिए बट अच्छे से गल जाना चाहिए। देखिए हमारी दाल गल गई है और पानी भी कम हो गया है। अब हम इसको एक मैशर की मदद से इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे। बस मोटा मोटा इतना दाल दिखना चाहिए, बहुत बारीक पेस्ट भी ना करें। दूसरी तरफ हमने एक कद्दू यानी लौकी को मीडियम साइज़ के छील कर अंदर से उसको क्लीन करके इस तरह से पीसेस बना के रख लिए हैं। आप अपने पसंद के पीसेस बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने कढ़ाई में 2 टीस्पून तेल लिया है, आप कोई भी एक पतीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल में हमने 1/2 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी प्याज, जिसके हमने पतले स्लाइसेस काट लिए थे। हम इसको 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे। आप आंच को मीडियम लो भी रख सकते हैं। अब हम इसमें 1 मिर्च, हरी मिर्च, जिसको हमने बीच में से काट कर डाल दिया है। और हम अनियन यानी प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। फिर हमने उसमें डाल दिया 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हम इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम उसमें डाल दिए 1.5 स्पून लाल मिर्च पाउडर। फिर हम उसमें डालेंगे कुछ और मसाले भी, जैसे कि 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी यानी टर्मरिक। हम इसको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हमने उसमें डाल दिया बारीक कटे हुए लौकी के यानी कद्दू के पीसेस। इनको हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इस तरह से मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। हमने अभी डाल दिया इसमें 1/2 कप पानी, ताकि मसाला जले ना, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम उसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हमने उसमें डाल दिए 2 मीडियम साइज के टमाटोस यानी टमाटर, जिसको हमने इस तरह से स्लाइसेस काट लिए हैं। अभी इसी तरह से काटें, इससे इसका टेस्ट और दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करके इसको हम पकने के लिए रख देंगे। मगर उससे पहले हम इसमें थोड़ा और पानी डाल देंगे 1/4 कप तक। अब इसका कैप बंद करके हम इसको 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो भी मसाला है वो कद्दू यानी लौकी के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए और ये लौकी हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। हम इसको चेक कर लेंगे अभी 10 मिनट के बाद। देखिए पीस अच्छे से कट गई है, इसका मतलब है लौकी गल गई है। अब हमने उसमें डाल दिया 1 टीस्पून ग्रेटेड कोकोनट यानी तुरपा हुआ नारियल, कच्चा नारियल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक इसको हमने पका लिया है। अब हमने उसमें डाल दिया मैश की हुई चने की दाल। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी चने की दाल थोड़ी थोड़ी एक पीसेस सारे सारे भी दिख रहे हैं, ऐसे ही रहना चाहिए इसको। अब हमने उसमें डाल दिया 1 ग्लास पानी। पानी डालने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने उसमें डाल दिया 1/2 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला हम आखिर में ही डालेंगे, ताकि इसकी जो खुशबू और टेस्ट है वो अच्छे से आए।
फिर हमने उसमें डाल दिया 2 टीस्पून हरा धनिया जिसको हमने धोकर अच्छे बारीक काट लिया था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और हम इसका कैप बंद करके 5 मिनट तक धीमी आंच पर दम होने के लिए रख देंगे। देखिए 5 मिनट के बाद हमारा दालचा बनकर तैयार है, दम हो गया है अच्छे से। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। आप किसी भी बाउल में कटोरे में इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारे रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए एकदम बढ़िया टेस्टी और कितना आसानी से हमारा दालचा बनकर तैयार है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये दावतों में भी बनता है, बिल्कुल वैसा ही बना है। इसको आप गर्मा गर्म किसी भी टाइप के चावल, आप प्लेन राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं या फिर पुलाव, जीरा राइस। हमने उनकी रेसिपीज़ की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप उनको भी ट्राई करें। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।